कोलंबिया के एक स्टोर में लोगों को पैसा देकर कुकीज खरीदता हुआ देखकर एक डॉग ने भी यही काम करने का सोचा। कुकीज खाने के शौक में ये डॉग सूखे पत्ते लाता और बदले में कुकीज ले जाता। तो एक दिन स्टाफ ने भी डिसाइड किया कि डॉग का दिल हमें नहीं तोड़ना चाहिए, वो जब भी ऐसा काम करेगा उसके बदले में हम उसे कुकीज देंगे। तो ये काम हमेशा चलता रहा और आज भी वो डॉग सूखे पत्ते लाता है और बदले में कुकीज ले जाता है। हार्ट स्ट्रिंग्स, जिन्हें हम बायोलॉजिकल भाषा में टेंडन बोलते हैं, क्या आपको पता है हार्ट स्ट्रिंग किसी भी डीप इमोशनल ट्रॉमा से टूट सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा हैप्पीनेस है या फिर गम है तो आपकी हार्ट स्ट्रिंग्स यानी टेंडन टूट सकती हैं। हार्ट स्ट्रिंग्स टूटने के कारण आपका हार्ट शेप खो देगा और ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपकी लिटरली डेथ हो सकती है। तो इमोशंस ज़्यादा होने से आपकी डेथ हो सकती है, तो ज़्यादा इमोशनल ना होए। आइसक्रीम मेकर, कॉलर आईडी, जीपीएस, जीआईएफ एनिमेशन, वॉलीबॉल, होम सिक्योरिटी सिस्टम, जूसर्स, कैटरेक्ट लेजर ट्रीटमेंट, 3D मूवीज, डफ नीडिंग मशीन्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, हेयर कंडीशनर्स, ऑप्टिकल फ्लाइट पाथ्स, कॉल वेटिंग, द कर्लिंग आयरन, फायरप्लेस डैम्पर, पोर्टेबल फैक्स मशीन्स, आयरन बोर्ड्स, सबमरीन लैंप एंड टेलीस्कोप, ग्लोब, फायर एस्केप, कार हीटर, विंडशील्ड वाइपर, बुलेट प्रूफ फाइबर, इन सब चीज की इन्वेंशन वुमेन ने की है। क्या आपको पता है दुनिया का जो सबसे एक्सपेंसिव केक है वो दुबई में बनाया गया था, जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर केक कहाँ है, तो जी हाँ, ये बीच में जो आपको वुमेन दिख रही है ये ही केक है। ये ऐसा 6 फुट का केक था जिसका वजन 120 किलो और कीमत $1 मिलियन थी। तो कैसा लगा आपको ये गजब का केक? ये बात सन 2008 की है। माइक नाम का एक आदमी अपने घर पर ऐसे ही बैठा था। सडनली उसका बेस्ट फ्रेंड उसके घर आता है और उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताने लगता है, और वो सारी बुरी बातें उसको बताता है जो उसने उसके साथ की थी। 10 मिनट तक उसका दोस्त माइक को उसकी सारी बुरी बातें बताता है और वहाँ से निकल लेता है। माइक को ये बात सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है और वो उसके पास कॉल करता है। उसका फ़ोन उसकी वाइफ पिक करती है और ये बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत अब से 7 घंटे पहले हो चुकी है, और ये आज भी एक मिस्ट्री है कि माइक से मिलने उस दिन कौन आया था।